Let's start a new chapter in BST, and that is the chapter number 7. It's a directing. So first of all, we know the meaning of directing. So as you know, directing means just giving instruction or guiding someone. In an organization, we give instruction and guidance or motivate our people, it means our employees, to manage their works and कि वो हमेशा अपना वर्क ऐसा ही करे जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हो सकें, फुलफिल हो सके, ठीक है. लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ तो क्या है, आप सब पढ़ रहे हो, मैं आपको गाइड करता हूँ, इंस्ट्रक्ट करता हूँ, इस वे में करता हूँ जिससे आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें एंड ऑल्सो यू गेट्स हायर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन. तो ये जो गाइडेंस है बेटा, ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, दैट्स कॉल्ड द डायरेक्टिंग. ओके, नाउ दैट इज द मीनिंग ऑफ द डायरेक्टिंग. नाउ मूव ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग. द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. द बेसिक थिंग इज डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन. क्या है भाई, मैनेजरियल फंक्शन. तो ये क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्शन. व्हाई, बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, ऑल हैज़ बीन डन, बट देर मस्ट बी सम डायरेक्शंस विच प्रोवाइड बाई अ मैनेजर. देर मस्ट बी सम एक्शन विच डन बाई द एम्प्लॉइज एंड दीज एक्शंस आर सुपरवाइज बाई अ मैनेजर. सो वाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर फॉर सेटिंग और डूइंग देयर जॉब्स, देयर मस्ट बी डायरेक्टिंग विच इनिशिएट्स द एक्शन. क्लियर बेटा कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल सा है. हम कुछ भी करते हों लेकिन अगर हमें ऊपर से गाइडेंस ना मिले, जैसे अभी आपको मैं अकाउंट्स के क्वेश्चन की बात करता हूँ, तुम सब करते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हें गाइड ना करूँ तो क्या जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है, जो हम चाहते हैं, तुम हायर से हायर चीज़ें हमें प्रोवाइड करो, वो करते हो, नहीं करते हो. तो ये जो गाइडेंस है seen what initiate action. Okay, now the second one, directing takes place at every level of management. अब level of management की बात करें, three types of level of management है. First chapter में clear किया होगा तुम लोगों ने. क्या पहला level कौन सा है भाई, top level, middle level और supervisory level. अगर हम देखें तो क्या top level पे जो owners होते हैं वो directors को या फिर जो वहाँ पर हायर ऑफिसर्स हैं उनको हमेशा इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, जाओ भाई प्लान्स बनाओ. मिडिल लेवल पे क्या है कि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम हमेशा एक दूसरे को, जो हायर वाले हैं वो मिडिल लेवल के डिपार्टमेंट हेड्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये प्लान फॉलो करो, ये करो. तो ऐसे केस में क्या है कि टॉप लेवल हो या फिर मिडिल लेवल हो और सुपरवाइजरी लेवल हो, हर लेवल पे इंस्ट्रक्शंस मिलती रहती हैं, गाइडेंस मिलता रहता है, लोगों को एक दूसरे को मोटिवेट करना होता है, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं. इट मीन्स डायरेक्टिंग वर्क्स एट ऑल लेवल ऑफ फंक्शन. हर फंक्शन या हर लेवल पे ये परफॉर्म कर रहा है. ओके, डायरेक्टिंग या कंटिन्यूअस प्रोसेस. अब सिंपल सा है बेटा, तुम एक दिन का होमवर्क करते हो तो क्या नेक्स्ट डे मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ, देता हूँ ना. तो डायरेक्टिंग क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर दिन चलता रहता है. ये ऐसा नहीं होता कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट है एक लेवल पे परफॉर्म हुआ, अगले लेवल पे नहीं होगा, या आज हुआ कल नहीं होगा, नहीं, इट्स ये हमेशा चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है. नाउ डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अब डायरेक्शन क्या है, तुम्हें डायरेक्टिंग कौन करता है, तुम्हें डायरेक्ट कौन करेगा, जरा खुद सोच लो. तुम्हें जब भी डायरेक्शंस मिलेगी, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. इट मीन्स मैनेजर डायरेक्ट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, या आपका बॉस डायरेक्ट करता है अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट को, ठीक है, कभी सबॉर्डिनेट सुपीरियर को डायरेक्ट नहीं करता. तो डायरेक्टिंग का फ्लो क्या है बेटा,